बच्चों, तो आज अपन लोग जो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पहले ही अपन लोगों ने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कंप्लीट कर लिया है और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया है, और साथ ही ये भी देख लिया था कि इन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का जो कॉन्स्ट्रीब्यूशन है वह किसको जाता है, दैट मीन्स साइंटिस्टों का नाम। ये सब एटॉमिक पार्टिकल एटम का थर्ड नंबर का पार्टिकल है जिसको कि न्यूट्रॉन बोलते हैं, और इसमें किसी भी तरीके से कोई चार्जेस नहीं रहते। और कैसे पता हमें कि इसमें किसी तरीके से कोई चार्जेस नहीं रहते, इस एक्सपेरिमेंट से समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही पता चला कि एटम के अंदर जो है दो तरीके के पार्टिकल हैं, वह कौन थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो इसके बावजूद भी सपोज मान लीजिए कि एक कार्बन एटम लिया गया सपोज करने के लिए, वेट को मेजरमेंट करने के लिए, मास को, तो इसका मास कितना हो रहा था, कार्बन एटम का मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 6, मास होगा 12 होता है कार्बन एटम का मास, लेकिन कार्बन एटम के मास को यदि हम सपोज मानते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 6 है, तो अपन लोग जानते हैं कि जितना प्रोटॉनों का नंबर रहता है वही क्या है, एटॉमिक नंबर है, टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन इट इज अ एटॉमिक नंबर, तो जब इसका टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन 6 थे और मास कितना आ रहा था, 12 यूनिट, तो 12 यूनिट मास आ रहा था, तो साइंटिस्ट ने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है कि जब इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बस खोज की जाए, पहले की गई थी, न्यूट्रॉन का भी तक खोज नहीं किया गया था, तो साइंटिस्टों ने सोचा कि यदि इसका एटॉमिक नंबर इतना है तो प्रोटॉनों का नंबर भी इतना है, तो इसका मास भी कितना होना चाहिए था, 6 यूनिट होने चाहिए थी, लेकिन हो कितना रहा है, 12, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ अभी भी है, हो ना हो कोई और सब एटॉमिक पार्टिकल होगा जो अभी तक नहीं खोजा जा चुका होगा और इसके अंदर होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। तो इसी जो देखिए 6 तो ये कंप्लीट कर लिया, जो 6 बच रहे हैं इसी को डिस्कवर करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, तो उसमें से एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था जेम्स चैडविक, और सब आप यकीन नहीं मानोगे, ये जब पूरे बहुत साल पहले, और सोचिए 19 सेंचुरी की बात है, जब 1932 में किसकी खोज की गई, न्यूट्रॉन की खोज की गई, जबकि आप देखोगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन तो उसका 1986 है ना, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन 1986 है ना, उसके पहले इलेक्ट्रॉन की खोज है वो भी 18 सेंचुरी में है, सीधे एक सेंचुरी के बाद किसको खोज की गई, न्यूट्रॉन की, तो कैसे किया गया, देखिए दिस इज द अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा देखते हैं, अल्फा पार्टिकल्स जो है अपन लोग सोच कह सकते हैं हीलियम वाले जो एलिमेंट या हीलियम के एटम को अल्फा पार्टिकल कह सकते हैं, तो हीलियम के पास कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है हीलियम का, 2, हाइड्रोजन और हीलियम, लेकिन मैं यहाँ कितने पार्टिकल्स बनाया हूँ, 4, वाई, बिकॉज 2 इट इज़ अ प्रोटॉन नंबर और 2 इट इज़ अ न्यूट्रॉन नंबर, जब अपन लोग इसका मास फाइंड आउट करते हैं तो ये मास हो जाता है 4 यूनिट मास होता है, तो न्यूट्रॉन का नंबर अभी हमें पता नहीं है, सिर्फ हमने क्या लिया, जो हीलियम था इसके न्यूक्लियस को बाहर ले लिया और ये इस तरीके से पार्टिकल अल्फा पार्टिकल के तौर पर हमने इसको रखा, जैसे ही अल्फा पार्टिकल को बमबारी की गई किसके ऊपर, बेरिलियम सीट के ऊपर, जैसे ही अल्फा पार्टिकल की बमबारी की गई किसके सीट के ऊपर, बेरिलियम सीट के ऊपर, बेरिलियम के जो न्यूक्लियस रहता है वह अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियस से बड़ा रहता है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम का नंबर कितना है, 4 है, दैट मीन्स इसका न्यूक्लियस भी क्या होगा, बड़ा होगा, तो इस बात से तो प्रूफ हो गया। तो देखिए जैसे ही इसके साथ इसके अंदर हिट कराई गई तो इसके अंदर पहले से क्या थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, क्योंकि ये भी एक तरीके का क्या है, एलिमेंट है, जैसे ही इसके अंदर ये आकर के हिट करता है ये आपस में ऐड हो जाते हैं, अब कितने हो जाएंगे इसके पास पार्टिकल, 4 उसके पास ऑलरेडी थे और 4 और मिल गए तो 8 हो गए, तो 8 होने के बाद जो है 7 पार्टिकल्स जो है बेटा यहीं रह गए और एक जो पार्टिकल बच रहा था वह यहाँ से निकल के बाहर चला गया, यह बाहर चला गया एक पार्टिकल, और ये कोई और पार्टिकल नहीं था, एक तरीके से आप कह सकते हो इसको मिस्टीरियस पार्टिकल, क्या कह सकते हो, जिसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, इसी वजह से मैं क्या लिख दे इसको, मिस्टीरियस पार्टिकल।
तो जैसे ही एक पार्टिकल इस बेरिलियम सीड से बाहर निकला तो उसके सामने हमने क्या लगाया, एक डिटेक्टर लगाया। डिटेक्टर का काम होता है, जो जैसा डिटेक्टर बनाया जाता है वह वैसे चीज़ों की एक्सेप्ट करता है, बाकी को छोड़ देता है। सपोज मानिए ये डिटेक्टर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज को बता देगा। यदि ये पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे तो ये बता देगा कि इधर के जो पार्टिकल आ रहे हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। यदि ये निगेटिव चार्ज वाले होंगे तब भी डिटेक्टर बता देगा कैसे चार्ज वाले हैं, निगेटिव चार्ज वाले होंगे। ओके, लेकिन यदि ये पार्टिकल कोई भी चार्जेस को अपने साथ में नहीं रखे हैं तो ये डिटेक्टर काम करेगा नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उसके लिए ये बनाया ही नहीं गया है। ओके, तो चैडविक ने जब इस तरीके से सोचा तो क्या किया उन्होंने कि इसके बीच में एक और सीट रखता है। अब देखो वो कौन सी सीट रखता है, इसको लास्ट में कर देते हैं अपन लोग। एक सीट और रखा उन्होंने जिसको बोला जाता है प्रोफिन और वॉक्स। प्रोफिन और वॉक्स, यू नो ना वॉक्स, व्हाट इज द वॉक्स, मोमबत्ती। ओके, ये पार्टिकल्स को यहाँ रखे गए। ओके, अब देखिए इसके अंदर भी प्रोटॉन रहेंगे, न्यूट्रॉन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सबके अंदर कोई भी मैटर हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि सब एटम से मिलकर के बने होते हैं। जैसे ही ये पार्टिकल्स है बेटा इसको हिट करता है तो यहाँ का जो प्रोटॉन है वह कैसे हो जाता है, बाहर निकल जाता है। क्यों, देखिए जब ये हिट करेगा इसको तो इसको क्या करेगा, आगे खिसकाएगा ना ये वाले पार्टिकल को। जब आगे खिसकाएगा तो ये अंदर वाला प्रोटॉन क्या हुआ, बाहर निकल के आ गया। और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है। और इसके बाद उन्होंने डिटेक्टर लगाया। डिटेक्टर का काम क्या है, किसको ऑब्जर्व करता है बेटा डिटेक्टर, प्लस चार्ज को और प्लस चार्ज को और माइनस चार्ज को डिटेक्ट करता है। अब बताइए डिटेक्टर क्या बताएगा, डिटेक्टर बताएगा कि जो पार्टिकल इस वॉक्स से होकर के आ रहे हैं वह कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, ये बताएगा। ओके, तो इससे ये पता चल गया कि जो ये पार्टिकल आ रहे हैं वह कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। तो चैडविक ने सोचा जब इसको हमने कुछ किया नहीं तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज क्यों निकल रहे हैं, हो ना हो इधर पहले से कोई और पार्टिकल आ रहे होंगे जो इसको धक्का दिए या पुश किए, इसकी वजह से ये प्रोटॉन किधर निकल आए, इससे बाहर निकल आए। ओके, तो ये प्रोटॉन बाहर निकल आए जिसको हमने डिटेक्टर से समझ लिया कि ये क्या है, प्रोटॉन है। तो इसको जो धक्का दिया होगा वो कुछ ना कुछ पार्टिकल होंगे जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, मिस्टीरियस पार्टिकल। और ऐसे कंडीशन पे आप देखना, जब मैं फर्स्ट में आपको लिखाया हूं कि जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है दोनों का मास एक जैसा होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों का मास एक जैसे कैसे होता है, दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 1.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। देखिए जरा, जब सबसे पहले मैं लिखा रहा था आपको, ये देखिए प्रोटॉन का मास कितना है, 1.67 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 27, और न्यूट्रॉन का भी मास कितना है, 1.67 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 27। इसका मतलब ये है कि जितना वजन ये है उतने वजन वाले को ये धक्का दे सकता है। ओके, क्या बोल रहा हूँ, जितना वजन किसका, न्यूट्रॉन का है उतना ही, न्यूट्रॉन का है उतने वजन अपने जैसे वजन वाले के प्रोटॉन को क्या कर सकता है, पुश कर सकता है। यदि इसका वजन कम रहता है या मास कम रहता तो सपोज ये प्रोटॉन यहाँ से ना निकलते। ओके, लेकिन जब हमने बमबारी की अल्फा पार्टिकल्स की बेरिलियम सीट पर, तो बेरिलियम सीट से टकरा करके एक पार्टिकल्स बाहर निकल के आ जाते हैं। ये पार्टिकल जो है डिटेक्टर के द्वारा ऑब्जर्व नहीं किए जाते, क्योंकि डिटेक्टर हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को ऑब्जर्व करने के लिए बनाए गए हैं। इसी वजह से चैडविक ने बीच में प्रोफिन और वॉक्स की एक और सीट रखी। ओके, प्रोफिन और वॉक्स की एक और सीट रखी जिसमें क्या थी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ बहुत सारे पार्टिकल्स थे, लेकिन जो ये पार्टिकल्स थे किसको पुश किए बेटा, प्रोटॉन को पुश किए। जब प्रोटॉन को पुश किए तो ये वाला प्रोटॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और जब बाहर हो जाएगा तो हमने सामने एक मशीन लगा के रखी है जो बताएगा कि यहाँ से प्रोटॉन निकल के आ रहे हैं। अब हमारा दिमाग कैसे घूमेगा कि इसको किसने धक्का दिया जो यहाँ से निकल गया, तो इसको धक्का देने वाला कौन था, इधर मिस्टीरियस पार्टिकल्स थे, और इन्हीं मिस्टीरियस पार्टिकल को बोला गया क्या, न्यूट्रॉन। अब आप बोलोगे कि इसकी क्या जरूरत थी, पहले भी तो पता किया जा सकता था। नहीं पता किया जा सकता था, क्योंकि ये प्लस और निगेटिव चार्ज को डिटेक्ट करता था, जो जिसमें कोई भी चार्जेस नहीं रहते उसको डिटेक्ट कर ही नहीं सकता। और जब ये पहले रहता तो कैसे पता चलता कि यहाँ से न्यूट्रॉन निकल के आ रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया किन्होंने किया, जेम्स चैडविक ने। और इसी तरह से फिर पता चला क्या कि क्या है ये,
न्यूट्रॉन है। अब देखिए कैसा होगा, जो मैं आपको बता रहा था कि कार्बन के पास कितने हैं, 6 प्रोटॉन रहते हैं, लेकिन इसका यूनिट मास कितना रहता है, 12 रहता है। मतलब क्या है, 6 के साथ में न्यूट्रॉनों का नंबर भी क्या होगा, 6 होगा। इसी वजह से क्या कर रहा है, ये अपने आप को 12 यूनिट का मास बना रहा है। ओके, तो इससे ये बात पता चल गई कि टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन दोनों मिलाकर के क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के मास को बनाते हैं। ओके ओके, लिखिए इसमें, ये मिटा दूं मैं। ओके आप ऐसे लिख लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, मुझे सुनाई दिया भैया। ओके यहां देखिए पेज नंबर 32 का ये वाला हिस्सा बेटा, यहां से देखिए, बाई बॉम्बारिंग अ थिन सीट ऑफ बेरिलियम मिला, बाई बॉम्बारिंग अ थिन सीट ऑफ बेरिलियम से लेकर के न्यूट्रॉन तक कंप्लीट कर लीजिए, हो गया। बाकी चीजें नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू।